कहाँ गुम हो, क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं, आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से वेट कर रही थी आपका। रास्ते में ट्रैफिक बहुत था इसीलिए लेट हो। क्यों, कहीं जाना है क्या? हाँ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या? ज्यादा सवाल जवाब मत करें ना, बता नहीं सकती, दिखा सकती हूँ, इसलिए जल्दी गाड़ी चलाएं आप बस। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? बता रही हूँ बस, आगे से लेफ्ट लीजिएगा। फराज, फराज यहाँ क्या कर रहा है? का भाई इस लड़की से शादी करना चाहता है। क्या क्या मतलब, ये तुम्हें किसने बताया? समीर ने। क्या बात कर रही हो? जो लड़की खुद मेरे भाई के साथ सिंसियर नहीं है, मैं उसकी बात का भरोसा कैसे कर लूं? I am so sorry असफंद, मुझे गलत फहमी हो गई थी। क्या मतलब गलत फहमी हो गई थी? रीम, तुम जानती हो कि तुम्हारी दोस्त कितनी बड़ी धोखेबाज है। नहीं असफंद, समीन फराज को नहीं बल्कि फराज समीन को धोखा दे रहा था। मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्या मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग? ये क्या कह रही हो तुम हरीन? Are you serious? मैं समझ नहीं पा रहा कि समीन फराज को धोखा दे रही है, फराज समीन को धोखा दे रहा है। दोनों एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं एक ही वक्त में। ये कोई मजाक है, कोई खेल है? कंफ्यूज्ड। देखिए असफंद, समीन पहले दिन से ये बात जानती थी कि फराज उसे पसंद नहीं करता। ओह, समथिंग न्यू, वाओ। और सनीता से शादी करना चाहता, इसलिए वो खामोशी से सारा इल्जाम अपने सर लेती रही। और बस एक दिन, एक दफा बस समीन के मंगेतर ने उसे कॉल कर ली और वो कॉल फराज ने देख ली। तब से फराज उसे टॉर्चर कर रहा है और उस एक फोन कॉल को वो रैकेट की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस सब में समीन का कोई कसूर नहीं है असफंद, हमें उसकी मदद करनी होगी। असफंद, आपको उसकी मदद करनी होगी, उसे इस शादी से रोकना होगा, वरना मेरी दोस्त और आपका भाई दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।